आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी कैलकुलेशन के टाइम पे, और इससे आपका जवाब विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। आइए देखते हैं, हम 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों एक साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वो मैजिक, और मैजिक हम स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट नंबर से। देखिए एग्जांपल मैंने लिख रखा है 84 × 45, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, राइट। ऊपर आपको एक पैटर्न दिख रहेगा, आपको सिर्फ ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है अगर नंबर क्या है हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो पैटर्न क्या है, एक लाइन बनी हुई है, फिर क्रॉस लाइन है, मल्टीप्लीकेशन का सिम्बॉल जैसे दिख रहा है, फिर से सीधी लाइन है, ठीक है। बस इतना सा पैटर्न आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। देखिए सबसे पहले क्या है, सीधी लाइन मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, 4 और 5 को। 4 5 का क्या मिला हमको, 20। 20 का 0 यहाँ लिखेंगे, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्रॉस का सिंबल। क्रॉस का सिंबल मतलब 8 × 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 × 5, 40। क्या मिलता है हमको, 40। और 4 × 4 किया, क्या मिला हमको, 16। और ये कैरी फॉरवर्ड 2 और था हमारे पास, टोटल क्या मिला मेरे को, 8, 58, राइट। 8 यहाँ लिख दिया, 5 को फिर से क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड, ठीक। अब देखिए 8 × 4, क्योंकि कैसी लाइन है, सीधी लाइन, 8 × 4 = 32, 32 + 5, व्हाट इज द वैल्यू, 37। आंसर क्या है, 3780। आइए इसको क्रॉस चेक करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। क्या था हमारा फर्स्ट डिजिट, 84 × 2, क्या था सेकेंड वन, 45। व्हाट इज द टोटल वैल्यू हियर, वी आर गेटिंग 3780, सेम वैल्यू आ रही है, आया समझ में। सीधा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 72 × 24, 4 × 2 = 8, ठीक। 7 × 4 = 28, 28 + 2, 2 × 2 = 4, 28 + क्या किया मैंने, 4, कितना मिला, 32, 2, 3 कैरी ऑन, 7 × 2 = 14, 15, 16, 17, चेक करते हैं। चलिए क्रॉस टैली करते हैं, फर्स्ट डिजिट था 72, इसके साथ मल्टीप्लाई किया था हमने 24, टोटल क्या आएगा, 17, 28, द सेम आंसर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, अब ट्रिक्स का पैटर्न देखते हैं 3 डिजिट नंबर के लिए। जब हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कैसे काम करेगी ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, हमने लिया है 485 × क्या कर रहे हैं हम, 235। अब इतना बड़ा नंबर है, देख के टेंशन नहीं लेना है, आइए टेंशन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सीधी लाइन, सीधी लाइन मतलब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 के साथ, 5 × 5 = 25, 5, 2 कैरी ऑन, ठीक। अब देखिए सेकेंड वाला डिजिट अगर हमको चाहिए तो क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसको, ये दोनों डिजिट को, 8 × 5 = 40 और 3 × 5 = 15 और जो 2 आया था वो, ठीक। टोटल, व्हाट इज द टोटल हियर, 7 एंड 4 + 1 = 5, अगेन विल राइट 7 हियर और 5 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। इस पैटर्न देखिए क्या है, पैटर्न किसको किसके साथ, 4 × 5, 4 × 5 = क्या मिला हमको, 20 और उसके बाद 2 × 5 क्या मिला, 10। अब देखिए एक और लाइन दिख रही है, सीधी लाइन मतलब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3, 24 और इधर का 5 कैरी फॉरवर्ड था, ठीक। टोटल करिए 9, क्या आया, 59, क्या मिल लिखेंगे यहाँ पे, 9, 5 क्या हो जाएगा फिर से, कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पैटर्न देखिए क्या है, क्रॉस, क्रॉस मतलब 4 × 3, 4 × 3 = 12, नेक्स्ट 8 × 2, व्हाट इज 8 × 2 = 16 और 5 कैरी फॉरवर्ड था, राइट। टोटल करिए 6 + 2 = 8, 8 + 5 = 13, 1 कैरी ऑन, कितना आया, 33, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड।
लास्ट पैटर्न देखिए, सीधी लाइन दिख रही है, क्या करेंगे 4 into 2, 4 2 8, और 3 कैरी फॉरवर्ड था 8 9 10 11, दिस इज अ आंसर राइट। आइए आंसर को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट डिजिट है 4 8 5, सेकेंड डिजिट क्या है into 2 3 5, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट 11 3 9 7 5। इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड कम्प्लीट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये पैटर्न भी अगर आप 10 क्वेश्चन भी यही प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये पैटर्न याद हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 8 2 into 2 8 5, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताइएगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।